दोस्तों एक बार फिर से मैं आया था फिशिंग के लिए। और अभी फिशिंग शुरू करने से पहले मैं आपको फ्रॉक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे पास ये इस तरह का फ्रॉग है, मुल्लर फ्रॉग। तो कई बार क्या होता है, खास करके नए शिकारी के साथ, जब भी हम नया फ्रॉग लेके आते हैं, किसी भी कंपनी का हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, पर किसी भी फ्रॉग हम कास्टिंग करने से पहले फ्रॉग के हुक के साथ हमें छेड़खानी करनी पड़ती है। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ कि मानो कि हम एक नया फ्रॉग लेके आए महंगे से महंगा, और उसे हम कास्टिंग किया। कास्टिंग करने के बाद जब मरल अटैक करता है तो उसे पकड़ता भी है, और आप घाव मार के उसे हुकअप भी करते हो, और वो पानी के बाहर लाते लाते वो सूट जाता है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। तो वो क्यों होता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिशिंग के बारे में मैं ऐसे ही टिप्स और टेक्निक दिखाता रहता हूँ। तो चले दोस्तों बात करते हैं वो टेक्निक के बारे में। ये मेरे पास एक फ्रॉग है, तो उसका हुक आप देख सकते हो। जब भी हम नया फ्रॉग लेके आते हैं तो उसका हुक उसके पीठ के साथ चिपक के रहता है। ऐसा हाथ घुमाने से वो उंगली में नहीं लगेगा, एकदम इसके ऊपर चिपक के रहता है। तो जब भी मरल अटैक करता है और पकड़ भी लेता है, तो घाव मारने के टाइम पे हुक नीचे होने की वजह से अच्छे से उसको लग नहीं पाता है, वो अच्छे से हुकअप नहीं हो पाता है। इसकी वजह से फ्रॉग मुँह से निकल जाता है, मरल के मुँह से। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि जब भी हम फ्रॉग लेके आते हैं, कोई भी फ्रॉग हो, तो सभी फ्रॉग में हमें इसका हुक थोड़ा सीधा करना पड़ता है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो हुक है उसे इस तरह से पकड़ना है, उसके हुक के आगे एक लॉक रहता है, शायद आप उसे जानते हो ये किस काम में आता है। ये जो लॉक है उसे हमें टच नहीं करना है, क्योंकि ये जब भी मरल के मुंह में हुक धसता है तो ये लॉक होने की वजह से वो वापस उसे निकलने नहीं देता है। तो ये अच्छे से देख ले फ्रॉग लेने से पहले कि उसका लॉक ऐसा नीचे की तरफ है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो हमें इसे सीधा करने के लिए यहाँ पर ऐसे पकड़ना है और हल्का सा प्रेशर देना है। दोनों हुक को ऐसा नहीं पकड़ना है, गलती से भी इस तरह से उसको पकड़ के हल्का सा प्रेशर देना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। फिर एक बार फिर आप उसे सही करके देख ले। हुक फ्रॉग के पीठ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, ऐसे आप हाथ घुमाओगे तो हाथ में लगना चाहिए हुक। इस तरह से आप हुक के साथ छेड़खानी करके उसे थोड़ा सा सीधा कर ले। तो क्या होगा कि जब भी हम कास्टिंग करेंगे, मरल अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करता है तो बहुत तेज़ी से वो ऐसे पकड़ता है, और पकड़ने के बाद जैसे ही हम घाव मारेंगे तो हुक थोड़ा सा सीधा होने की वजह से 110% मरल हुकअप होगा और सूटने का चांस बहुत कम रहेगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, मैं नया फ्रॉग लेके आया और मैं कास्टिंग किया और मरल अटैक करता है तो किनारे पे लाते लाते मरल सूट जाता है। तो मैं ये टेक्निक आजमाया और फिर मैंने ट्राई किया तो मेरा मरल बहुत कम सूटता है, ना के बराबर, क्योंकि इसमें मेन हुक इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी आप फिशिंग करने जाए तो फ्रॉग फिशिंग के दौरान आप इस तरह का सेटिंग कर ले हुक में, तो आपका मरल नहीं सूटेगा। अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चले दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम शुरू करेंगे फिशिंग। अगर हमें कुछ लगता है तो हम उसका दूसरा वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।